तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो गाइस चैनल दोबारा से के लिए वाले यहाँ पर सुपर मार्केट सिमुलेटर। और गाइस, जैसे कि तुम लोगों ने यार पिछले वाले एपिसोड में गाइस यहाँ पर देखा था कि तुम्हारे भाई ने यहाँ पर कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जो था भाई यहाँ पर $1,000 खर्च करके भाई अपना स्टोरेज रूम परचेस कर लिया। एंड इसको परचेस करने के बाद गाइस ना मैंने थोड़ा सा लाइक डीपली सोचा और मेरे को लगा कि मेरे से ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और वो मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने ना भाई ₹1,000 एक तरीके से वेस्ट कर दिए अभी के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी जो है मेरे को लगता है स्टोरेज रूम का मेरे को नीड नहीं था। मेरे को ना भाई अपने सुपरमार्केट पे थोड़ा और पैसा खर्च करके इससे और पैसे कमाने चाहिए थे। बट कोई नहीं, अभी इंसान है भाई, गलती छोटी बहुत चलती रहती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में जो है अपन लोग यहाँ पर अपनी सुपरमार्केट को थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि अभी जो है गाइस अपन को ना भाई और एडवांस लेवल पे पहुंचना है। और एडवांस लेवल पे हम जब पहुंचेंगे तब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है भाई इस गेम में हर एक चीज का भैया पैसा पे करना पड़ता है। अगर हमें कोई भी नया प्रोडक्ट रखना है तो उसके लिए सबसे पहले यार गाइस हमें लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, और उस प्रोडक्ट को रखने के लिए हमें भैया शेल्फ खरीदनी पड़ेगी या फिर फ्रिज वाला आइटम है तो फ्रिज खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है? और तीसरी चीज गाइस ये है कि अगर हम नई चीजें यहां पर ऐड कर रहे हो तो भाई उसको रखने की भी तो जगह होनी चाहिए, तो हमें अपने सुपर मार्केट को भी बड़ा करना है। तो समझ सकते हो गाइस कि जो है भाई इस गेम में भाई पैसे का जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए जो है अपन आज अब से जो है थोड़ा अच्छे से और दिमाग से लाइक ठंडे दिमाग से काम किया करेंगे, ऐसा जोश में काम नहीं करेंगे। तो गाइस यहां पर देख सकते हो अपने पास में वैसे काफी सारा सामान यार खत्म हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने कोई लाइसेंस परचेस करा था, आई थिंक से नहीं करा था। बाकी यहाँ पर अपने स्टोर रूम में ना काफी सारा सामान पड़ा है। मैं काम करता हूँ फटाफट से यहाँ पर ना ये पानी की बॉटल्स तो भाई लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर ना बहुत सारा सामान है गाइस। तो लाइक मेरे को ना समझ में भी नहीं आता यार कि यहाँ पर ना कि सामान कौन सा अपने पे पड़ा है भाई। अभी मेरे को देखना है कि मेरे को क्या चाहिए था। ये वाला देखते है, ये वाला शायद और ओके ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है भाई। एंड क्या ये खाली हो गया? ओके ये खाली हो चुका है। एंड मुझे यहाँ पर क्या बोलते हैं वो चाहिए भाई, बासमती राइस। एंड आई थिंक मेरे को ना ये सामान यहाँ पर ऑर्डर ही करना पड़ेगा, क्योंकि शायद ही ये आइटम अपने स्टोर रूम में पड़ा होगा। मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ। एंड ओके शायद से गाइस ये वाला आइटम जो है ना भाई वो अपने पास है ही नहीं भाई, तो मेरे को ना ये मंगाना ही पड़ेगा। और ये देखो भाई ये कितना सारा आइटम जो है एक के ऊपर एक पड़ा था यार। एंड भाई इसको ना मैं सोच रहा हूँ, मेरे को ना एक भाई ने कमेंट करके बताया था कि अनमोल भाई आप ना डब्बे बंद करके एक के ऊपर एक रख सकते हो। तो वो बात तुम्हारी ठीक है, पर पता है उसमें प्रॉब्लम ये है कि ना मेरे को फिर दिखता नहीं है ना कि कौन सा मतलब डब्बे में कौन सा आइटम पड़ा है। तो आई थिंक ये वाला जो प्रोडक्ट है ना गाइस ये मेरे को यहाँ पर ऑर्डर करने ही पड़ेंगे। और अभी मेरे पास में बस $654 ही है भाई, तो पैसा भी अपने पे ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा गाइस। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए यहाँ पर रेड वाला आटा, और आज इसका प्राइस यहाँ पर बड़ा है, तो मैं 2 डब्बे फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है? 2 मैंने ये मंगा लिया है। उसके बाद मेरे को बासमती राइस भी चाहिए, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले जो ये वाला काम है ना इसको अपन यहाँ पर पूरा कम्प्लीट करेंगे। एंड ऑल राइट, एक पेटी यहाँ पर खत्म हो गई है। एक पेटी उठा के भाई अपन अपना जो $1,000 वाला स्टोरेज रूम है भैया उसमें रखेंगे, ठीक है? पैसा खर्च कराया तो उसका क्या बोलते हैं अपन बेनिफिट भी उठाएंगे। हाँ भाई पैसा खर्च कराया तो बेनिफिट भी उठाने वाले हैं गाइस अपन। एंड वेट, इसका ना प्राइस थोड़ा बड़ा है, तो इसका प्राइस हो गया $7.38। तो क्या अगर मैं इसको $7.40 का बेचूँ तो क्या ये बिकेगा? लेट सी गाइज। आज ना मैं यहाँ पर एक चीज करने वाला हूँ, मैं ना अभी थोड़ा सा लाइक यहाँ पर प्राइस इंक्रीज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भाई ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक काम ये करता हूँ, मैं सीधे गाइज 20 देखो जैसे पॉइंट कुछ पैसे जो होते हैं ना मैं उनको थोड़ा एक्सपेंड करने वाला हूँ। जैसे ये देखो $4.28 का है, तो मैं इसको यहाँ पर $4.48 का बेचूंगा, मतलब सीधे मैं 20 पैसे अपनी तरफ से बढ़ाने की सोच रहा हूँ, ठीक है? तो मैं वही चीज यहाँ पर करने वाला हूँ, और यहाँ पर भी जो है अपन इसको कर देंगे 58, ठीक है? तो ऐसे करके मैं यहाँ पर थोड़ा प्राइस बढ़ा के जो है यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट बिकते हैं या नहीं बिकते हैं। अगर ये वाला जो है तुम्हारे भाई का आइडिया काम कर गया ना भाई, तो यहाँ पर गाइस अपना काफी सही हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा $6 का मैंने कर दिया है, ठीक है? $5.80 का मार्केट प्राइस है, 20 पैसे ही मैंने बढ़ाए हैं, और इसको अपन कर देंगे गाइस 27, ठीक है? ऐसे करके जो है मैं आज सबका यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा लाइक यहाँ पर बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ना अभी भाई थोड़ा और ज्यादा जो है पैसे की नीड है भाई, और पैसा भाई ऐसे ही आएगा। तो देखते हैं अपना ये वाला आइडिया गाइस जो है भाई प्राइस बढ़ाने वाला भाई काम करेगा या नहीं करेगा। अगर कर गया भाई तो मजे ही आ जाएंगे भाई। सोचो अगर हम हर एक प्रोडक्ट पे लाइक 20 पैसे अगर ज्यादा कमाएंगे तो कहीं ना कहीं यार वो चीज मतलब लाइक मेरे को लग रहा है कि फायदेमंद तो होगी, प्रॉफिटेबल तो रहने वाली है। तो देखते हैं गाइस ये चीज यहाँ पर काम करेगी या नहीं करेगी। एंड फिलहाल मैं ना सब पे यहाँ पर 20 पैसे बढ़ाने वाला हूँ। ये मैं एक काम करता हूँ, ये कितने का हो रहा है भाई, $4 का कर दे रहा हूँ मैं, क्या बोलते हो? $4 नहीं, ये करेंगे अपन 4, सॉरी भाई एक सेकेंड,
इसका प्राइस सेट करने दो, $4.10 का, ठीक है गाइस, ₹4.10 का मैंने कर दिया इसको। और ये इसका प्राइस आज बड़ा है, इसका प्राइस मार्केट प्राइस ₹2.44 हुआ है, पर मैं इसको यहाँ पर करने वाला हूँ ₹2.65, ठीक है गाइस। यहाँ पर 20 पैसे मैंने सीधे के सीधे बढ़ा दिए, इस पर $1 मतलब लाइक बड़ा है, तो अपन इसको पूरे के पूरे $8 का गाइस यहाँ पर बेचने वाले हैं। और मेरे को पीनट बटर भी भाई मंगाना पड़ेगा, इसको अपन जो है ₹4.90 का बेचेंगे, ठीक है गाइस। और इसको अपन यहाँ पर ₹2.10 का है, तो इसको हम बेचने वाले हैं ₹2.30 का गाइस, ठीक है। अब देखते हैं यार ये चीज़ यहाँ पर लाइक काम करेगी या नहीं करेगी। ये ₹5.62 का इसको कर देंगे अपन ₹85 का, ठीक है गाइस, सीधा का सीधा राउंड फिगर में करते हैं। और इसको कर देंगे ₹4.50 का, इसको अपन जो है इसको भी मैं सोच रहा हूँ ₹4.45 का कर देता हूँ, ठीक है गाइस। और ये ₹3 का है, तो अपन ने इसको एक काम करेंगे ₹4.10 का कर देता हूँ इसको भी, ठीक है, ऑल गुड। एंड यहाँ पर ये क्या है भाई, अपना ब्लीच पाउडर है, इसका भी प्राइस अपन गाइस यहाँ पर पूरे के पूरे $5 करने वाले हैं। लेट्स सी कि ये जो चीज़ें हैं लाइक अपने फेवर में जाती है नहीं जाती। और ये $15 का है, तो अपन ने इसको कर देंगे गाइस सीधे के सीधे $60 का, ठीक है, मतलब लाइक थोड़े से पैसे यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। बाकी इस पे भी लाइक 20 पैसे बढ़ाएंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो हमें एट द एंड कमाना ही है। और इसको अपन पूरे के पूरे $3 का करने वाले हैं गाइस, ठीक है। पानी की बॉटल अपन कर देते हैं यहाँ पर $96 की, मतलब पॉइंट पैसा अपन ने बढ़ाया। नीचे वाले सोडा का प्राइस थोड़ा सा बढ़ाएंगे अपन, इसको कर देंगे ₹2.50 का, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद बढ़ा दिए, देखते हैं गाइस की लाइक ये चीज़ अपना काम कर रही है नहीं कर रही है। आई होप कि यार ये चीज़ ना काम कर जाए, तो यार अपना लाइक मतलब मज़ा आ जाएगा गाइस, समझ रहे हो, बिल्कुल जो है ना एकदम आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसको कर देते हैं अपन यहाँ पर 32 का, ठीक है, एंड ये 29 का है, इसको अपन 22 पे प्राइस आज कम हुआ है, इसको अपन इतने ही प्राइस पे रहने देते हैं, क्या बोलते हो, हाँ इतने प्राइस पे रहने देंगे, ठीक है। इसका प्राइस हालांकि मार्केट प्राइस आज थोड़ा सा कम हुआ है, बट कोई बात नहीं है, इतना तो चलता है। और इसका जो है अपन यहाँ पर 20 पैसे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और चीज़ पे भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, नहीं यार 20 का भाई 40 का करो यार, ज़्यादा महंगा भी नहीं बेचेंगे यार, 20 पैसे ही महंगा बेच सकते हैं अपन। लाइक मैं अभी देखो एक तरीके का ये कम करके देख रहा हूँ, अब देखते हैं ये चीज़ काम करती है नहीं करती है। एंड ओके, मैंने सबका प्राइस यहाँ पर लाइक थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है गाइस, अब देखते हैं यहाँ पर भाई अपना मतलब सुपर मार्केट पे सेल पे जो है कितना असर पड़ने वाला है। फिलहाल मैंने जो ऑर्डर चीज़ें मंगाई थी ना, वो मैं फटाफट यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि भाई साहब जब तक सामान दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, समझ रहे हो, मतलब सामान अपने पे होएगा ही नहीं भाई, तो बिकेगा क्या। एंड बाकी ये वाली जो पेटी है ये अपन यहाँ पर ले जाके रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आज काफ़ी सारे प्रोडक्ट और मंगाने हैं मेरे को, चाहिए भाई यहाँ पर शुगर, तो शुगर मेरे को शुगर मंगानी है, तो शुगर के 2 डब्बे अपन मंगाने वाले हैं। उसके बाद ब्रेड तो अभी अपने पे है, ठीक है, ऑयल चाहिए मेरे को, तो ऑयल भी मैं यहाँ पर 2 मंगाने वाला हूँ। एंड उसके बाद इधर का ओके, यहाँ पर पीनट बटर गाइस जो है अपने भाई ख़त्म हो चुके हैं, मेरे को पीनट बटर भी यार मंगाने पड़ेंगे, 2 पीनट बटर, ओके भाई $138 का सामान तो यही आ गया। ओ यार गाइस भाई पैसे भाई अपने पे है ही नहीं यार, और आज मेरे को यहाँ पर भाई पेमेंट भी करनी है यार, बैंक से जो हमने लोन ले रखा है भाई उसकी भी EMI हमें भरनी है, मतलब यार ज़िंदगी में भाई दिक्कतें तो हैं भाई, मतलब मानो मत मानो गाइस ज़िंदगी में दिक्कतें जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और पैसा कम है भाई, तो पैसे की अपन को ज़रूरत पड़ेगी भाई, दबा के पड़ने वाली है, कोई बात नहीं है, उसका जो है अपना क्या बोलते हैं पैसे की भरपाई अपन यहीं से करेंगे, ठीक है, यहीं से तुम्हारा भाई जो है पैसा कमाएगा, टेंशन न लो, अभी थोड़ा सा पैसा कमाने में हालांकि दिक्कत आ रही है, बट एक टाइम के बाद नहीं आएगी गाइस। एंड चलो फटाफट से यहाँ पर शुगर यहाँ पर लगा देते हैं अपन, पूरा एकदम बढ़िया से भर देंगे, ठीक है। एंड चलो यहाँ पर जो है सारा का सारा शुगर अपन ने यहाँ पे पील लिया है, एंड अभी जो है इसको अपन यहाँ पर रखते हैं, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद मेरे को क्या चाहिए यार, इधर का काफ़ी सारा सामान मेरे को ना बहुत सारा सामान चाहिए गाइस, अरे यार क्लीनिंग वाले में अगर चल के देखें तो ब्लीच भी चाहिए होगा, ये देखो ये हैंड शैम्पू मेरे को चाहिए, ये वाला शैम्पू भी चाहिए, और क्या नहीं है, ये डिश वॉशर भी नहीं है, क्लीनर भी नहीं है भाई साहब, और ब्लीच भी नहीं है, और टॉयलेट पेपर भाई, ये तो $294 का तो यही सामान हो गया, अरे भाई साहब गाइस मैं तो भिखारी बन गया यार, भाई यार इतनी जल्दी पैसे क्यों खत्म हो रहे हैं यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई। अभी ना गाइस अपन मतलब प्रॉफिट में कम लॉस में ज़्यादा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस टाइम पे हमें वैसे प्रॉफिट में होना चाहिए था, बट हम अभी लॉस में चल रहे हैं, और लॉस में नहीं चल रहे एक तरीके से ना, हमने वो जो पैसा था यार वो मतलब लाइक खर्च कर दिया, तो
इसी वजह से हम लोग जो है अभी प्रॉफिट कम लॉस में ज्यादा चल रहे हैं, बट कोई नहीं, एट दी एंड हमने वो पैसा खर्च तो भाई अपनी सुपर मार्केट पे ही करा है, तो उसका इतना कोई ज्यादा बड़ा टेंशन नहीं है, ठीक है, उसका कोई इतना टेंशन नहीं है। फिलहाल ये जो है डिश वॉशर अपन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और मैंने ये दो जगह क्यों लगा दी मेरे को भी नहीं पता, बट कोई नहीं, अभी लग गया तो लग ही गया। बाकी ये क्लीनर जो है अपन ऊपर लगा देंगे सारे के सारे, ठीक है, और उसके बाद ये टॉयलेट पेपर यहाँ पे आएंगे। यार मैं सोच रहा हूँ पूरे टॉयलेट पेपर के लिए ना एक रॉ मिल जाए ना तो ज्यादा सही रहेगा यार, क्या बोलते हो? इनको यहाँ पर वापस बुला लिया जाए। ओके वेट अ सेकेंड, पहले वेट ऊपर लगाओ इनको एंड इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, और ये जो ब्लीच है ना, ब्लीच अपन ना सारा का सारा नीचे लगाएंगे, ठीक है, ऊपर जो है अपन यहाँ पर लाइन से टॉयलेट पेपर लगाने वाले हैं, ठीक है गाइस, एंड इसको यहाँ रख दो और इसको भी अपन यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, ये पेटी खाली हो चुकी है, इसको रखो यहाँ पर, ठीक है गाइस। और अभी अपने पास में पैसे नहीं है तो फटाफट से अपनी सुपर मार्केट ओपन करते हैं और अभी वेट करते हैं गाइस और देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं कस्टमर जो है चीजें लेने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्या रखा था मेरे को याद नहीं है भाई, क्या आइटम नहीं है मेरे को चेक करना पड़ेगा यार, अभी बारी बारी से मेरे को ना सारा का सारा आइटम चेक करना पड़ेगा। तो कैरल ब्रेड और फ्लोर, ये तीन चीजें चेक करते हैं, तो चोको पीको ब्रेड और वो वाला आटा मतलब सब मैदा पड़ी है, ऑयल पास और शुगर, तो शुगर ये रही, ऑयल बोरा और ओ पास्ता नहीं है रेड वाला, अरे यार सबसे हाई डिमांडेड आइटम ही नहीं है गाइस अपने पास, कोई नहीं पास्ता भी मंगा लो भाई, पास्ता तुम लोगों को पता है कितना ज्यादा अपने आप बिकता है भाई, तो इसीलिए पास्ता होना काफी ज्यादा जरूरी है। चलो फटाफट से यहाँ पर ये वाला पास्ता लगाते हैं एंड कस्टमर ले रहे हैं गाइस, भाई ऐसा नहीं है कस्टमर चीजें नहीं खरीद खरीद रहे हैं यार, मतलब लाइक हमने थोड़ा पैसा बढ़ाया है तो वो वर्थ इट है भाई, तो एक काम करते ना इसका प्राइस अपन बढ़ाते हैं ना भाई, लेट्स गो यार, भाई महंगी बेचेंगे ना अपन आइटम। और ये देखो कुछ आइटम अभी नहीं था तो इस पे भी अपन यहाँ पर पैसा बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है, डिश वॉशर पे अपन लाइक कर देते हैं इसको $76 का, हाँ भाई सही है भाई, कुछ पॉइंट पैसे बढ़ाएंगे ना तो लोगों को इतना लाइक लगेगा नहीं यार, समझ लो ये ना एक तुम्हारे भाई की थोड़ी सी है भाई मार्किंग स्ट्रेटजी है कि अगर अपन कुछ पैसे लाइक बढ़ाएंगे ना तो कस्टमर को मतलब लाइक बुरा भी नहीं लगेगा और वो मतलब खरीदेंगे भी। और अगर सोचो अगर मैं सारे के सारे मतलब लाइक होता है भाई पैसे एकदम से ही यहाँ पर मतलब बढ़ा दूंगा ना तो भाई लोग बोरा जाएंगे, फिर वो कहेंगे अरे भैया ये तो भैया मार्केट से भी ज्यादा महंगा आइटम बेच रहे हैं अपनी सुपर मार्केट में, फिर वो नहीं खरीदेंगे यार, तो ये थोड़ा सा मार्केट स्ट्रेटजी है तुम्हारे भाई की। बाकी डार्क कॉफी, ओके डार्क कॉफी अपने पे है, ठीक है, एंड बाकी यार गाइस एक चीज तो है भाई, अभी तो देखो स्टोरेज रूम में लग रहा था अपन को यार कि पैसे ना अपन ने वेस्ट कर दिए, बट अगर सही मायने में अगर अच्छे से देखा जाए ना गाइस तो यहाँ पर भाई पैसे वेस्ट नहीं गए, अपने काम में ही आए एक तरीके से देखा जाए। एंड वेट मेरे पे वो नहीं है क्या, क्या बोलते हैं उसको, ओके चोको पीको तो शायद आई थिंक पूरा भरा पड़ा है वहाँ पर, चोको पीको का स्टॉक तो पूरा है पर अपने पे ना गाइस चॉकलेट यहाँ पर खत्म हो गई है भाई, तो मेरे को चॉकलेट यार मंगानी पड़ेगी। और वेट अ सेकंड मैं अटक किस में रहा हूँ भाई, तुम एक काम करो यहाँ चले जाओ कुछ देर के लिए और इसको भी अपन कहीं ना कहीं पटक ही देंगे, चलो ये हो गया। एंड वेट अ सेकंड भाई चॉकलेट सारी खत्म हो गई यार, चॉकलेट भी मेरे को ना मंगानी पड़ेंगी गाइस, अरे यार ये रही चॉकलेट बार, दो चॉकलेट बार मंगा लो फटाफट और इनको चल के लगा दो भाई वरना कस्टमर यहाँ पर कंप्लेंट करने जाएंगे। एंड चेक आउट फुल, यार मेरे को ना गाइस एक भाई ये कैश काउंटर जो है ना मतलब वो भी यार मेरे को एक और लगाना पड़ेगा क्योंकि चेकआउट फुल हो रहा है और कस्टमर को ना अभी वेट ज़्यादा करना पड़ता है, तो मेरे को लग रहा है मेरे को ना एक कैश काउंटर और लगा लेना चाहिए गाइस, क्या बोलते हो? बट यार पैसा भी तो होना चाहिए भाई कैश काउंटर लगाने के लिए, यार पैसा ही नहीं है अपने पे। और ये तो भाई टॉयलेट पेपर तो अंधा बिक गया यार, हैं? अरे भाई साहब, भाई टॉयलेट पेपर इतनी जल्दी बिक गया, अबे अभी तो मैंने जस्ट उसको अच्छे से एडजस्ट करा था, दो और मंगा लो भाई टॉयलेट पेपर के पेटी क्योंकि टॉयलेट पेपर का इसको ज्यादा ही बिक रहा है भाई यहाँ पर, फटाफट लगा दो इसको। चलो टॉयलेट पेपर की ना अपन पेटी यहीं पर रखेंगे, ठीक है गाइस। और बाकी ये जो है ओके ये ना ब्लीच पाउडर काफी कम बिका था एंड ये रहा टॉयलेट पेपर, अपन एक काम करते हैं स्टोर रूम में रखते हैं यार, ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी पेटी ना अपन यहीं स्टोर रूम में रखेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पर मेरे को और क्या चाहिए, यहाँ पर अरे यार कोका कोला ख़त्म हो रही है गाइस, यार मेरे को लगता है ना मुझे एक काम पता है क्या करना चाहिए, मुझे ना स्टोरेज रूम की जगह जो है मेरे को ना पैसे थोड़े वैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि मैं सामान जो है ना सीधे के सीधे भाई स्टॉक अच्छे से भर पाऊँ यार, लाइक क्योंकि भाई स्टोरेज रूम में जो सामान पड़ा है ना उसको यहाँ पर लाइक लाते लाते मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक्चुअल में लेने के आया था भाई, सही गाइस सही में यार भाई मैं भूल जाता हूँ यार। एंड वेट अ सेकेंड, यहाँ पर अच्छा कोका कोला की अपने पे कोई भी पेटी वेटी नहीं पड़ी है तो मेरे को यार मंगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर कौन सी वाली जो है ड्रिंक खत्म हो गई है मेरे को वो भी चेक करना है। वेट अ सेकेंड, टर्की वाली, ओके टर्की वाली ड्रिंक खत्म हो रही है और वो वाली सोडा, ओके ओके
समझ में आ गए जी। तो ये रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ मेरे को पहले तो ये बताओ। एंड टर्की वाला सोडा और ये वाला सोडा, ठीक है, और ये वाला सोडा भी अपन मंगा ही लेते हैं गाइस। चलो $61 का। और भाई यहाँ पर जो है हमने शॉपिंग कर लिया एंड फटाफट से चल के ये वाला कोला फिल करते हैं। एंड वेट भाई ये गलत लग गया, थोड़ा सा गलत लग चुका है, बट कोई नहीं अपन वापस कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको पूरा वापस रखो यहाँ पर एंड इसको यहाँ रखो अभी के लिए फिलहाल। एंड ये वो वाला कोला है भाई, इसको अपन यहाँ पर पटक के आएंगे फटाक से। एंड ये रहा वो सोडा, पर ये तो अभी है, बट मेन जो वो वाला सोडा है ना वो मेरे को लगाना है भाई, वो टर्क वाला जो सोडा है, मतलब आई मीन वो वाली जो थम्सअप है, हाँ थम्सअप और कोका कोला, ठीक है, हाँ ये अपनी थम्सअप है। तो ये थम्सअप ख़त्म हुई थी भाई, इसको भी अपन फटाफट यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। और नीचे थी सोडा, नहीं अच्छा इसमें था वो, ओके ओके। तो यहाँ पर भी थम्सअप आने वाली है अपनी, ठीक है, ये थम्सअप जो है अपन यहाँ रखेंगे गाइस। एंड ये थम्सअप यहाँ रखो, ये सोडा लगा हुआ है वहाँ पर, ठीक है ठीक है। एंड वेट अ सेकेंड, लाइट ऑन करो भाई, अंधेरा हो चुका है। एंड चेकआउट्स फुल हो रहे हैं भाई मेरे को यार। एंड वेट भाई, टॉयलेट पेपर कितना ज़्यादा बिक रहा है गाइस। भाई ये लोग क्या पानी से नहीं धोते क्या अपनी, हैं भाई पानी इस्तेमाल नहीं करते क्या? और वेट भाई, मैंने वो मंगाया था यार टॉयलेट पेपर, हाँ ये रहा ना, मैं कहूँ यार अभी तो मैंने जस्ट एक नया नया, और ये लो अबे अभी मैं रख के क्या हूँ भाई, वो फिर से खत्म हो गया यार। अबे क्या मजाक चल रहा है गाइस, भाई ये लोग कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर लाइक टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है। एंड ये देखो, एंड योगर्ट इज टू एक्सपेंसिव, तेरी बहस की भाई, $2 की तो है यार, 20 पैसे तो बढ़ाए हैं मैंने, है पागल वागल हो गए क्या तुम लोग, है इतना भी कोई खास महंगा नहीं है यार कि तुम लोग लाइक हवा बना रहे हो। और मेरे को लग रहा है मेरे को ना एक लाइट यहाँ के लिए भी लगानी पड़ेगी यार, तो मैं एक लाइट ना इधर के लिए भी यहाँ पर मंगा लेता हूँ, एक स्पॉट लाइट, ठीक है, क्योंकि उधर ना अपने स्टोर में क्या बोलते हैं स्टोरेज रूम में यार अंधेरा हो रखा है, तो यहाँ पर एक लाइट लगाओ। एंड चलो अभी सही है भाई, अभी कुछ तो दिख रहा है एटलीस्ट यहाँ पर। एंड वेट मैं क्या लेने आया था, मैं योगर्ट लेने आया था ना, क्योंकि अपना योगर्ट ना काफ़ी कम हो चुका है, फटाफट योगर्ट यहाँ पर डाल दो। और भी देखना पड़ेगा मेरे को और क्या आइटम चाहिए यार। एंड अभी भी बचा है क्या इसमें, ओके थोड़ा सा योगर्ट बचा है, चलो इसको अपन जो है फिलहाल के लिए वापस रखाते हैं गाइस, ठीक है। और उसके बाद मैं एक बारी एप्पल जूस वगैरह भी चेक कर लेता हूँ कि इसका स्टॉक, ओके इसका स्टॉक अभी अच्छा खासा वैसे अपने पे पड़ा है, ठीक है। एंड ये सारा ऑरेंज जूस का स्टॉक है, ठीक है, ऑरेंज जूस भी अपने पे अभी के लिए फ़िलहाल पड़ा है, ठीक है। और मेरे को क्या देखना था, हाँ मिल्क यार, मिल्क मिल्क मिल्क, क्या मिल्क पड़ा है अपने पे, लेट सी क्या मिल्क है, आई थिंक से मिल्क मिल्क नहीं होगा यार गाइस, ये सामान इतना ज़्यादा लाइक फैला पड़ा है कि अभी के टाइम पे ना मेरे को खुद नहीं पता है कि भाई साहब यहाँ पर क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं, मतलब लाइक अपने स्टोरेज रूम में भी ना एकदम भसड़ मचा रखी है तुम्हारे भाई ने, समझ रहे हो भाई, मैं सही में यार बहुत कंफ्यूजिंग भरा चीज़ है यार, लाइक देख रहे हो यार सामान भी ना पता नहीं यहाँ पर क्या क्या ख़त्म हो रहा है, कस्टमर कंप्लेन करके जा रहे हैं भाई, अब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। फिलहाल मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, अंधी में जो है तुम्हारा भाई यहाँ पर काम कर रहा है। एंड वेट अ सेकेंड, इसमें क्या है, क्या है इसमें, अरे एप्पल जूस है यार, एप्पल जूस नहीं चाहिए मेरे को, ये यहाँ रखो। इसमें क्या है, ये ऑयल है, ऑयल तो अभी शायद पड़ा है वहाँ पर। एंड वेट अ सेकेंड, जो अपना चीज़ है ये दिखाते हैं, चीज़ वैसे काफ़ी बिका होगा, हाँ यार चीज़ तो भाई सारा का सारा ही बिक गया, मेरे को ना कल के दिन पर चीज़ और ज़्यादा मंगाना है। एंड वेट बाकी कैंडी का एक बारी मैं स्टेटस देख के आऊँ, यार कैंडी भी ऑलमोस्ट बिक गई है। और वेट भाई, केक वाला आइटम ना ज़्यादा बिक रहा है गाइस, तो मुझे ना शायद से केक वाला आइटम थोड़ा और मंगा लेना चाहिए, क्या बोलते हो, हाँ केक का आइटम मेरे को ज़्यादा मंगाना पड़ेगा। बाकी ये वाला फ्लोर काफ़ी कम बिका है यार, मेरे को लगा था काफ़ी अच्छा खासा बिका होगा, बट ठीक है अभी इसको फ़िलहाल यहाँ रखो। और ये देख के आते हैं मिल्क पैक, यहाँ पर मिल्क पैक भी यार काफ़ी कम बिके हैं आज, वैसे अब तक ना लाइक बिक जाते हैं अच्छे खासे, पर आज के दिन पे ये काफ़ी कम बिके हैं। बाकी यार भाई मेरे को लग रहा है स्टोरेज रूम से अच्छा मैं ना ये पैसे कहीं और इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा मतलब लाइक सेंस बनाता, क्योंकि यहाँ तक आते थे मेरे को चीज़ें ही नहीं पता रहती यार कि क्या ख़त्म हो गया क्या नहीं ख़त्म हुआ है भाई। एंड सॉल्ट देख के आते हैं, सॉल्ट का क्या सीन है, सॉल्ट काफ़ी कम बिकता है यार, सॉल्ट को बेच पाना ना लाइक काफ़ी चैलेंजिंग भरा है। और ये देखो अभी भी इसमें बच गया, अच्छा हुआ मैंने इसको फेंका नहीं, वरना मैं तुम्हारा भाई जो है इसको फेंकने जाने वाला था। एंड वेट टॉयलेट पेपर, ओके टॉयलेट पेपर, हाँ टॉयलेट पेपर वैसे वहीं पर रखा होगा ना, अच्छा ब्लीच रखा है, ओके टॉयलेट पेपर जो था ये सारा लगा दिया, नहीं ये यहाँ पे है ना भाई, खाली है, अबे खाली पेटी रखा पड़ा हूँ मैं तब से, है मेरे को लगा भाई यहाँ पर बचा होगा। और वेट ये वाला सोडा चेक करके आते हैं। एंड ओके ये वाला सोडा अच्छा खासा बिका है गाइस आज के दिन पे, एक बॉटल बच गई है भाई,
इसको फिलहाल हम यहीं पर पटक देंगे। और आज के दिन पे वो भाई काफी तगड़ी सेल हो गई है। और गाइस अपना लेवल 15-20 हो चुका है यार, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। और अपने पे $1100 पड़े हैं गाइस। ओके, तो अगला जो है अपन को अपग्रेड पता है क्या करना है, अगला अपग्रेड हमें ये करना है कि हमें ना एक नया प्रोडक्ट का लाइसेंस परचेज करना है। बट इसको परचेज करने के लिए हमें जो है यहाँ पर काफी सारी चीजें लगेंगी गाइस, मतलब $750 का लाइसेंस प्लस हमें एक शेल्फ या फिर एक फ्रिज। तो ये सब जो है लाइक अपन को पड़ेगा मैक्सिमम 1000 से ऊपर का, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अपना ग्रोथ पे जाकर अपना सेक्शन बड़ा कर लेता हूँ तो इसमें भी $750 जाएंगे। बट मेरे को लगता है अभी एरिया बड़ा करना ज़्यादा लाइक सेंस नहीं बनाता है, अभी ना अपन को लाइसेंस एक और परचेज करना चाहिए या फिर हमें एरिया बड़ा करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो गाइस अभी जो है वैसे एरिया बड़ा करने की भी नीड पड़ सकती है, बट मेरे हिसाब से गाइस ना हमें सबसे पहले यार लाइसेंस पे तो है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ना एक काम करते हैं, यहाँ पर पेमेंट दे देते हैं भाई। एंड ये लेट फीस की तो नहीं है? ओ भाई इस पर लेट फीस लग भी गई गाइस, ये देखो ये $180 की, इस पर देखो $5 की लेट फीस लगी है। और इस पर अरे यार भाई यहाँ पर पेमेंट करनी थी और मैंने पेमेंट नहीं करी गाइस। लो भाई पेमेंट करने में ही मतलब लाइक खाली हो गए भाई, बिल्स कितने आ रखे हैं। ओके आज हमें ये बिल पे करना था और बिल डेट 24 से 28 के बीच हम कभी भी कर सकते हैं, 3 दिन बाकी है इसको, तो ये भी कर देते हैं। एंड भाई अपना सपना जो था ना वो चूर चूर हो गया गाइस। भाई मैंने क्या सोच के बैठा था और क्या हो गया मेरे साथ यार। मेरे को लगा था कि लाइक आज मैं यहाँ पर कोई लाइसेंस वगैरह खरीदूंगा, मस्त एकदम होता है ना कि अपनी सुपर मार्केट थोड़ी और बड़ी करूँगा और नए प्रोडक्ट्स रखूँगा, बट भाई इसका उल्टा ही हो गया यार अपने साथ। कोई नहीं अभी क्या ही कर सकते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर जो है ये सामान एक बार ही ना मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके मेरे को ना यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम मंगाने, बट अपने पास में जो जो आइटम पड़ा है अभी के लिए फिलहाल उससे हम इसको जो है भरने वाले हैं, ठीक है। स्टोर रूम मतलब स्टोर रूम में जो अपने पास आइटम पड़ा है ना, हम सबसे पहले उसको जो है यहाँ पर पूरा अच्छे से भरेंगे। एप्पल जूस का एक बार ही देख के आते हैं क्या सीन है, एप्पल जूस बिका है क्या यार? एप्पल जूस काफ़ी कम बिक रहा है गाइस, ऑरेंज जूस भी बिक रहा है बट काफ़ी कम ही बिक रहा है, बट कोई नहीं अभी क्या ही कर सकते हैं। बाकी चोको पीको यार देख के आने पड़ेगा, चोको पीको का क्या स्टेटस है। ओके चोको पीको बिके हैं बट उतने ज़्यादा नहीं बिके हैं, मेरे को लगा था काफ़ी अच्छे खासे बिक गए होंगे आज के दिन पे, पर नहीं बिके यार ये, ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं। इसको यहाँ रखो। एंड अरे यार इनको रखने का भी तो साला बहुत ज़्यादा ही बड़ा सिर दर्द है। बाकी पीनट बटर, ओके पीनट बटर यार अच्छे खासे बिकते हैं गाइस, पीनट बटर हमें कल के दिन पे शायद थोड़े और मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ऑयल तो मैंने देख लिया, सॉल्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले ही रख के आया था ना भाई। हाँ सॉल्ट अपने पे है, ठीक है सॉल्ट अपने पे भरा हुआ पड़ा है। एंड उसके अलावा ओके ये तो एप्पल जूस है, एप्पल जूस अभी मैं जस्ट यहाँ पर क्रॉस चेक करके आया हूँ, तो एप्पल जूस को यहाँ रखो और दूसरे एप्पल जूस की पेटी इसके जस्ट ऊपर रखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद शुगर, शुगर का देख के आते हैं सीन क्या है शुगर। ओके शुगर भी है अभी, ओके थोड़ा सा मेरे को लाइक मंगाना पड़ेगा बट अभी के लिए फिलहाल काम चल जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा योगर्ट तो अभी मैं थोड़ी देर पहले लगा के आया था, और अपने पे क्या है कैंडी, कैंडी जो है मैंने वैसे लगा रखी है बट मैं एक काम करता हूँ यहाँ भी ना कैंडी सारी की सारी जो है लगा ही देता हूँ, ठीक है गाइस। कैंडी भी अपन यहाँ लगा देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये मिल्क पैक यार लगा हुआ है मेरे को, हाँ कल ना ब्रेड मंगाने, भाई ब्रेड अपने पे जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और योगर्ट यहाँ पर भी पड़ा है, ठीक है। और ये रहा थोड़ा सा कैरल, कैरल ओके कैरल जो है ये क्या बोलते हैं जो कुकी जो भी है लाइक जो भी सामान है ये भी मंगाना पड़ेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारा आइटम मेरे को गाइस अभी और मंगाना है, ठीक है। और वो ना मैं कल के दिन पे यहाँ पर मंगाऊंगा, तो आज तो अपन देखो तुम्हें ही पता है मैं अभी कुछ ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रात हो चुकी है, तो फटाफट से आज के दिन स्किप करते हो। और आज हमें कोई पेमेंट वगैरह भी नहीं पे करनी है। एंड आज हमने भाई $1286 की अर्निंग करी थी, पर काफ़ी सारा हमने एक्सपेंस खर्च कर दिया। और आज केक पे पैसा बड़ा है, क्रिप्स की भी पे घटा है और सोडा पे थोड़ा सा बड़ा है भाई, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ओके $2.12 है, इस पर भी अपन ने 20 पैसे बढ़ा के रखा है, इस पर भी बढ़ा के रखा है, ये है ना वो वाला सोडा, ओके इस पर बढ़ा है ये, ठीक है। और क्या था कैरल, ये था कैरल पे बढ़ा है, ₹4.66 हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ इसको ₹4.86 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा एक प्रोडक्ट और था जिसपे कि लाइक आज प्राइस ऊपर नीचे हुआ है, ये वाला सोडा का तो अपन ने चेक कर लिया। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक प्रोडक्ट और था, क्या था भाई एक प्रोडक्ट और, ये सो रहा सोडा इसका कर दे केक, अच्छा केक पे पैसा थोड़ा बड़ा है, केक का चेक करते हैं। ओके इसका प्राइस काफ़ी क्लोज आ चुका है, तो अपन एक काम करते हैं इसको कर देते हैं $66 का, ठीक है। थोड़ा सा ही लाइक महंगा करा है,
बाकी मेरे को आज काफ़ी सारा सामान गाइस यहाँ पर और ऑर्डर करना है, ठीक है। एंड मेरे को केक चाहिए भाई, काफ़ी सारा आइटम चाहिए यार। ओ यार मेरे को लग रहा है मैं ना अभी यहाँ पर लाइक भाई अपना सुपरमार्केट वगैरह ना बड़ी नहीं कर पा रहा यार, क्योंकि पैसे ही नहीं बच रहे यार, खर्चा इतना हो जा रहा है भाई, इतने सारे बिल हमें पे करने पड़ते हैं, समझ रहे हो। इतना सारा आइटम है, क्लीनर तो अभी पड़े हैं, शैम्पू मंगाऊँ क्या, ओके एक पेटी मंगानी पड़ेगी यार। टॉयलेट पेपर मंगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है। एंड केरल पे आज पैसे कम हुए हैं यार, ओके इस पर भी पैसे कम हुए हैं, ठीक है यार, इस पर मैंने कर दिए ना। और केक पे भी ठीक है, ऑल लाइट। एंड मेरे को यहाँ पर ब्रेड मंगाना है, हाँ भाई ब्रेड ज़रूर ऐड करूँ मैं, ठीक है। ब्रेड कहाँ गया भाई, ये रहा ब्रेड मंगाते हैं भाई, $106 का तो यही सामान हो गया। फटाफट से चल के इसको लगाते भी है गाइस, ठीक है, इसको फटाफट से अपन पूरा का पूरा यहाँ पर भर देते हैं। चलो ब्रेड अपन ने लगा दिया है, ठीक है, टॉयलेट पेपर लगाते हैं यहाँ पर, चलो टॉयलेट पेपर हो गया। एंड इसको ना अपन बाहर रख देते हैं, ठीक है अभी के लिए। एंड शैम्पू भी अपन फटाफट से यहाँ पर लगा देते हैं। मैं चाहता हूँ आज मैंने अपना क्या बोलते हैं सुपरमार्केट ओपन करूँ तो सारा का सारा सामान रीस्टॉक रहे, ठीक है, ताकि आज जितना भी लाइक अपने प्रॉफिट हम लोग कमाए ना, फिर हम उसके बाद मतलब होता है ना कि अपन भाई सीधा जो है अपग्रेड पे पहुंच जाए। तो आज मेरे को मिल्क भी चाहिए यार, तो ड्रिंक में चलते हैं, मिल्क भी मेरे को 2 मंगाने चाहिए शायद से, ठीक है। मिल्क मैं फटाफट यहाँ पर लगाने वाला हूँ गाइस, जल्दी से जो है अपन मिल्क भी है फटाफट यहाँ पर पूरा का पूरा लगा देते हैं। और अभी भी इसमें बाकी रह रहा है तो ये मिल्क यहाँ रहेगा, ठीक है। एंड ये शैम्पू, हाँ ये शैम्पू भी लगाना है भाई, वैसे अभी पड़ा है थोड़ा पर, ठीक है मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिया। एंड जिससे कि क्या होगा ना, हमें बार बार नहीं मंगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे को और क्या चाहिए, डार्क कॉफ़ी शायद मंगानी पड़ेगी, ऑयली ऑयल मेरे को थोड़ा सा मंगाना पड़ेगा। और ये केक यार, हाँ ये केक बिल्कुल भी नहीं है भाई, केक ख़त्म हो रहा है, केक मेरे को यहाँ पर मंगाना पड़ेगा गाइस, काफ़ी दिक्कत आ चुकी है भाई यहाँ पर, केक मंगा लो। चलो केक आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, अपनी सुपर मार्केट ना ओपन कर ही देते हैं भाई, ठीक है। एंड चलो फटाफट से ना ये केक जो है ये लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस। चलो पूरा का पूरा केक लग चुका है, नीचे एक केक बच गया वो लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा आइटम एकदम बढ़िया है। एंड उसके अलावा मेरे को क्या देखना है यहाँ पर, और क्या चाहिए मेरे को, ऑयली ऑयल अभी तो वैसे पड़ा है, पास्ता भी मंगाना पड़ सकता है हमें। एंड इधर पानी की बॉटल है, सब कुछ है, चीज़, हाँ चीज़ मंगाना पड़ेगा गाइस, चीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी कम बचा है, और चीज़ कब ख़त्म हो जाएगा भाई पता भी नहीं लगेगा, तो इसलिए चीज़ का स्टॉक अपने पे जरूर से यहाँ पर होना चाहिए। एंड ओके कस्टमर यहाँ पर आके भाई शॉपिंग करने लगे हैं, ठीक है भाई, अपनी मतलब सुपरमार्केट खुलने की देरी होती है, कस्टमरों की लाइन लग जाती है, देखो भाई कितने 2-3 कस्टमर आ चुके हैं यार, मतलब लाइक इनकम तो अपनी अच्छी हो रही है बट खर्चे ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो खर्चे हमें जल्दी कम करने पड़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं फटाफट से ना जो बैंक का लोन है यार वो निपटा दूँ, फिर उसके बाद ना अपन बिल्कुल ही फ्री हो जाएंगे, क्या बोलते हो गाइस। हाँ मैं सोच रहा हूँ आज अपन एक काम करते हैं, आज ना यहाँ पर जो हमने बैंक के लोन ले रखे हैं ना गाइस वो सारे के सारे निपटा देते हैं भाई, क्या बोलते हो। मेरे हिसाब से हमें वो करना ज़्यादा सही रहेगा, या फिर हमें डे टू डे मतलब लाइक करने चाहिए। वैसे मेरे को देखा जाए तो यार काफ़ी सारे पैसे अभी और पेमेंट करने हैं। एंड वेट यार, ये कौन सा बिल बचा है यार, ये 38 वाली कितनी EMI बची है यार, ये देखो भाई ये लोन अभी तक हुआ ही नहीं है। अर्ली पे आउट अमाउंट $108, खत्म करो यार इसको। मैं टेक लोन नहीं चाहिए यार मेरे को भाई, नहीं चाहिए मेरे को ये लोन है, व्हाट मैं इसको दोबारा से ले सकता हूँ। अरे नहीं चाहिए यार लोन, नहीं लेना मेरे को भाई, नहीं चाहिए भाई लोन मेरे को। ये तुमने मेरे से जो गलती से लोन ले लिया गया है ना, इसको फुल फाइनल करो यार, मैं भाई पागल हो गया हूँ यार, लोन में साला इतना पैसा देना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। हाँ साला इंसान मतलब लोन भरते भरते लाइक कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ भाई, मेरी सुपर मार्केट बड़ी करने का सपना अधूरा ना रह जाए, मेरे को तो ये डर लग रहा है। बट कोई नहीं, अभी क्या ही करें, हमने लिया है उसको भरना तो पड़ेगा। एंड अभी यार गाइज थोड़ा सा पैसा मेरे को ना थोड़ा टाइम दो, कमाते हैं ठीक है, फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमें ये वाला पैसा मतलब लाइक कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो गाइज यहाँ पर अपने पास में फाइनली यार $1,000 से भी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, और मैंने गाइज यहाँ पर सोच लिया है कि मैं ना यहाँ पर जो है भाई अभी अपने जो है क्या बोलते हैं थोड़ा सा ना मैं ये करने वाला हूँ कि मैं ना सबसे पहले भाई एक नया लाइसेंस और खरीदने वाला हूँ, ताकि अपने पास में नए और प्रोडक्ट आ जाए, एंड उसके बाद जो है भाई अपनी इनकम थोड़ी सी और बढ़ जाए। फिर उसके बाद में हम गाइज जो अपना अगला स्टेप करने वाले हैं वो हम करेंगे गाइज यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना इसको लेके, ठीक है, अपनी जो है क्या बोलते हैं सुपरमार्केट थोड़ी बड़ी करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर अपना एक नया लाइसेंस और परचेज करने वाला हूँ, ठीक है। और वैसे मेरे को बिल वगैरह भी पे करने हैं, आई नो, पर भाई मैं क्या करूँ यार, मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है,
तो मैं $750 का गाइस एक नया लाइसेंस परचेज कर रहा हूँ। इसमें चीज मोरल मतलब बहुत सारे नए प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी फटाफट से चल के देखते हैं कि ये जो नए प्रोडक्ट ऐड हुए हैं भाई साहब वो यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर टॉयलेट पेपर तक था, तो यहाँ पर एक नए तरीके का चीज ऐड हो चुका है जिसके लिए फ्रिज की नीड पड़ेगी, और फ्रिज अपने पे है गाइस, ठीक है। फ्रिज हम अभी नहीं खरीदेंगे, अपने पे जितने फ्रिज पड़े हैं उतने में हम काम चला लेंगे। मतलब 4 आइटम यहाँ पर फ्रिज वाले ऐड हुए हैं और 2 आइटम यहाँ पर शेल्फ वाले हुए हैं। तो अभी हमें फ्रिज और शेल्फ कुछ भी नहीं खरीदेंगे ना, तब भी हम जो है इन प्रोडक्ट को अपने सुपर मार्केट के अंदर रख सकते हैं। तो फटाफट एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई इन्हीं नए आइटम से, ठीक है। ये नए आइटम जो है हम फटाफट एक एक करके मंगा लेते हैं। तारी के सारे मैंने एक एक ऑर्डर कर लिया है, ठीक है। और ये क्या है, ये हनी है भाई, हनी। अपन हनी को एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर यहाँ लगा देते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ हनी लगा देते हैं भाई अपने, क्या बोलते हैं, अभी देखो अभी पहले जैसा थोड़ा सा लाइक पहले जैसा अपन ने रख रखा था ना वैसा नहीं रहेगा। और ये क्या है, ये कुछ नया आइटम है, पाब्लो शुगर। अच्छा ये नई शुगर आई है भाई, चलो इसको भी अपन ने लगा दिया है गाइस, ठीक है। बाकी यार ये एग के कुछ यहाँ पर वो आए हैं, ठीक है। तो एग जो है ये वाले नीचे लगा देंगे, ओके। ये छोटे वाले हैं वो बड़े वाले, ऑल राइट। अच्छा जी ये मैटर है, मतलब आदमी को होता है ना उसका सी काटा जा रहा है पर थोड़ा घुमा फिरा के काटा जा रहा है ताकि वो समझ ना पाए। बाकी ये कुछ आइसक्रीम के डब्बे मेरे को लग रहे हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल अपन यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एंड बाकी ये जूस जो है ना ऑरेंज जूस, इसको अपन ठिकाने लगा देंगे, ठीक है। इसकी जगह पे अपन इसको सेट कर देंगे। बाकी इसको रखने के लिए भी अपन जगह बना लेंगे गाइस, टेंशन नहीं है। एप्पल जूस अपने पे देखो 2-2 रॉ में पड़ा है, तो अपन एक एक में अगर शिफ्ट कर देंगे ना तो सही हो जाएगा। बाकी कोला देख रहे हो, कोला 3 जगह रखी, तो मैं एक काम करूंगा कोला यहाँ पर एक ना हटा दूंगा भाई। एंड बाकी मैं चाहूँ तो यहाँ पर मिल्क भी शिफ्ट कर सकता हूँ, वैसे मिल्क लगे रहते थे। पानी की बॉटल में कर सकता हूँ, पर पानी की बॉटल के लिए मेरे पास पेटी नहीं होगी यार। एंड चीज़ का मैं देख लेता हूँ एक बार स्टेटस, ओके चीज़ यहाँ पर फुल है, तो चीज़ अभी के लिए मैं फिलहाल यहीं पर रखने वाला हूँ, ठीक है। अंदर एक बार चेक कर रखे आता हूँ, तो अंदर ओके ये रही ना कोला। अरे यार ये तो भाई पूरी भरी हुई है यार, पूरी की पूरी भर रखी है। एंड सॉल्ट भी वहाँ पर रखा है, ये भी डार्क टीवी मतलब टीवी वहाँ रखी है, ये भी है। एंड ये रहा जूस, यार जूस का कुछ मैं करता हूँ गाइस, जूस का पेटी देखता हूँ कौन सी खाली है। जो भी पेटी खाली होगी ना उसमें अपन ओके ये वाली पेटी पूरी खाली है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर एक जूस यहाँ पर खाली कर लेते हैं, एप्पल जूस एक निकाल के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड चलो यहाँ पर एक के लिए तो अपन ने यहाँ पर जगह बना दी है, ठीक है। एंड ये वाला आइटम अपन यहाँ डाल देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है गाइस, क्योंकि अभी ना अपन के पास इतना पैसा नहीं है यार कि हम एक नया फ्रिज यहाँ पर परचेज करके लगा पाएं, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी अरेंजमेंट चल रहा है तुम्हारे भाई का, और आई थिंक से अपन ये अरेंजमेंट अच्छे से कर लेंगे। बाकी ऑरेंज जूस भी, अगर मेरे पे ऑरेंज जूस की भी ना एक पेटी पड़ी होती ना तो यार काम बन जाता मेरे हिसाब से। वेट अ सेकंड गाइस, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, और आइडिया ये है कि मैं ना थोड़ा सा यहाँ पर अपना आइडिया लगा रहा हूँ, और वो आइडिया ये है कि ये देखो, देख रहे हो दिमाग हो तो तुम्हारे भाई जैसा। अब लो अब मतलब अब मेरे को ना ऑरेंज जूस की एक पेटी नहीं मंगानी पड़ेगी। एंड वेट अ सेकंड, यहाँ पर ये क्या है भाई, कोई तो प्रोडक्ट बच रहा था ना जो मैं लगा नहीं पा रहा था, यही था ना वो, हाँ ये प्रोडक्ट मैं ना यहाँ पर रख नहीं पा रहा था, अब आराम से रख लूंगा। इसका भी जो है अपने ने यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढ लिया है गाइस, ठीक है। बाकी ऑल गुड है, हाँ और सारा सामान मतलब और मेरे को सामान देखना पड़ेगा और क्या क्या यहाँ पर रखना है। बाकी भाई इसका प्राइस देखो 5.42 रुपए का है, तो अपन इसको 5.62 रुपए का बेचेंगे, ठीक है। 20 पैसे महंगा बेचने वाले हैं, और ये भी जो है $5.18 का, अपन इसको $5.38 का बेचेंगे गाइस, ठीक है। $5.38 का यहाँ पर बेचने वाले हैं। उसके बाद इसका प्राइस भाई $7.33 का है, मतलब $7.33 का, तो अपन इसको $5.53 में बेचने वाले हैं, ठीक है। और एक नया प्रोडक्ट, हाँ ये रहे 2 नए भाई, ये पूरा का पूरा $12 का है, तो अपन इसको $12.50 का बेचेंगे, ठीक है गाइस। और ये हनी भी भाई काफी अच्छा खासा महंगा है, इसको अपन पूरे भाई इसको भी ₹11.50 में अपन बेचने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को चेक करना है मेरे को और क्या क्या आइटम मंगाना है भाई, मेरे को अभी जो है अपना करंट सामान वाला जो वो है ना चीज़ें वो भी मेरे को यहाँ पर ऑर्डर करनी है। तो अपना ऑयली ऑयल बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ऑयली ऑयल मंगाना है, पास्ता मंगाना है, लाल वाला पास्ता पड़ा है क्या, ओके पास्ता भी खत्म हो रहा है यार, मेरे को पास्ता भी मंगाना पड़ेगा गाइस। अभी ना बहुत सारे आइटम हो रहे हैं तो लाइक बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है। ब्रेड भी खत्म हो रहे हैं यार, वेट अ सेकेंड, अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा ये हो गया मामला, ब्रेड मंगा लेते हैं। और डार्क कॉफी बिल्कुल खत्म हो गई है, डार्क कॉफी आ जाएगी, ठीक है जी। एंड उसके अलावा और क्या चाहिए, बासमती राइस भी नहीं है भाई, बासमती राइस और मंगा लेते हैं गाइस, थोड़े से बासमती राइस पे आज पैसा बढ़ा है, उसका भी मेरे को देखना पड़ेगा।
उसके अलावा और क्या खत्म हो गया है? डार्क कॉफी मैंने मंगा ली क्या? ओके, मैंने डार्क कॉफी ऐड नहीं करी भाई, जो मेरे को सबसे मेन आइटम मंगाना था वही मैंने ऐड नहीं करा है, ठीक है। ओके, ये तो रही भाई, डार्क कॉफी दो बार ही ऐड हो गई थी। चलो अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही सामान ऑर्डर कर रहा हूँ, एंड फटाफट से ये सारा का सारा आइटम अपन यहाँ पर लगा देते हैं गाइस जल्दी जल्दी, ठीक है। ये हो गया अपना, एंड आ जाओ बासमती राइस तुम फटाफट से यहाँ पर, क्योंकि मेरे को अपनी सुपर मार्केट भी ओपन करनी है। मैं काम करता हूँ, ओपन कर ही देता हूँ भाई। कस्टमर की क्या है भाई, आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे ना, तो इसीलिए जो है फटाफट से गाइज अपन यहाँ पर सारा का सारा आइटम लगा देते हैं, ठीक है। और अभी दोबारा से थोड़ा और ज़्यादा पैसा से कम, मतलब ज़्यादा पैसा अपन जो है यहाँ पर फटाफट से छाप लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। पैसा छापने में तुम्हारा भाई लाइक प्रो तो नहीं है बट नूब भी नहीं हो भाई, पैसा कमा लेंगे गाइज, पैसे की टेंशन नहीं है यार। चलो पास्ता अपन ने लगा दिया भर के एकदम, और ऑयली ऑयल अपने पर काफ़ी नहीं थोड़ा सा पड़ा था, और थोड़ा मैंने यहाँ पर और मंगा लिया। चलो ऑयली ऑयल भी हो गया है गाइज, एंड उसके अलावा यहाँ पर चेक करते हैं और क्या मेरे को मंगाना है। क्लीनर, ओके यहाँ पर क्या आइटम कुछ खत्म हो गया है, अरे हाँ डिश वॉशर यहाँ पर खत्म हो गया है। ओके आई रिमेम्बर, क्लीनिंग में चलते हैं। ये रहा डिश वॉशर, एक ही डब्बा मंगाएंगे भाई, काफी महंगा है यार ये, $159 का है यार। ओके कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, बेचो इसको भी बेचो, चलो इसको भी बेचो फटाफट। चलो एंड बीट यार, मैंने ना एक चीज चेक नहीं करी आज, इसका किसी का प्राइस ऊपर नीचे हो भाई, ये देखो कितना महंगा हो गया। अपन इसको पूरे का पूरा $7 का बेचेंगे भाई, पहाड़ में गया भाई मैं, पूरे के पूरे $7 का बेचूंगा। और मैं एक बार ही ना पीसी में चेक कर लेता हूँ किस किस का प्राइस आज ऊपर नीचे हुआ है। बासमती राइस को हुआ था वो मैंने फिक्स कर दिया है, और ये पास्ता, ओके ये वाले पास्ता का पैसा यहाँ पर कम हुआ है थोड़ा भाई, $6 का हो गया, तो अपन इसको $6, $6.5 का बेचने वाले हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस विदाउट सेटिंग है व्हाट, भाई सही तो है, क्या दिक्कत आ गई है, $6 का है भाई, इतने का ही तो बेचूंगा मैं, और कितने का बेचूं उसको है भाई, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने दोगे, नहीं कमाने दोगे क्या, चाहते हो मैं छोड़ के चला जाऊँ क्या अपनी सुपर मार्केट है। इसका प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, इसको अपन यहाँ पर पूरे के पूरे $11 का बेचेंगे गाइस, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं है, $11 का है, लोग खरीद लेंगे हंस के, मेरे को पता है यहाँ के लोग काफ़ी बड़े दिल वाले हैं, ठीक है गाइस। एंड उसके अलावा तो यहाँ पर किसी का प्राइस ऊपर नीचे हुआ नहीं है। बाकी नीचे क्या आइटम रखा था, ओके ये था ना टी, ओके टी थी यहाँ पर, वो मतलब लाइक खत्म नहीं है, अपने पर पड़ी है स्टॉक में। बाकी लाल वाला फ्लोर भी चाहिए होगा, मतलब मैदा चाहिए होगी, ये मैंने यहाँ पर मंगा ली, और ये चल के फटाफट यहाँ पर लगा दो गाइस, ठीक है। अभी ना मैं सोच रहा हूँ अभी अपन ना यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं रखते हैं, क्योंकि लाइक ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान रखेंगे ना तो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो इसीलिए अपन जो है एकदम गिना चुना। और ओके सर, आपने जैसी ही चीज़ ख़रीदा मेरी ये पेटी खाली होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसमें क्या है, इसमें दूध होगा, दूध बिका है क्या, ओके दूध बिका है, एंड दूध का डब्बा हो चुका है खाली, इसको फटाफट बाहर फेंक के आया जाए। और ये डब्बा भैया खाली पड़ा है तो तू बाहर चला है, अंदर क्या कर रहा है तेरी ऐसी कम तैसी। एंड ये क्या है, ओके ये यार ये काफ़ी कम बिक रही है, ओके कोई नहीं बिक जाएंगी, आया मतलब टेंशन मत लो। बाकी दूध का डब्बा अपने पे एक और नया का नया पड़ा है, मतलब नया तो नहीं है बट इसमें काफ़ी सारा दूध ऑलरेडी है गाइस, ठीक है। एंड यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विदाउट सेटिंग इट इज प्राइस, भाई कौन सा ऐसा है जो मैं बिना उसके बेच रहा हूँ, कौन सा ऐसा प्राइस है भाई, सब पे तो मैंने प्राइस सेट कर रखा है भाई, पागल हो गए हो क्या भाई, किस पे कौन सा ऐसा आइटम है जो मैं बिना प्राइस सेट करे बेच रहा हूँ यार, सब पे तो प्राइस सेट है, सब पे है गाइस, मेरे को नहीं पता भाई ये गेम का क्या सीन है। बाकी मिल्क पैक खत्म हो गया यार, मिल्क सिक्स पैक नहीं, मिल्क पैक खत्म हो गया, तो मिल्क पैक अपन यहाँ से मंगाएंगे। ओके मिल्क पैक पे आज प्राइस कम हुआ था बट शायद मैंने इसको सेट कर दिया था मेरे हिसाब से, एक बार ही चेक कर लेंगे गाइस। लाल ओके $11 का कर दिया। एंड हाँ शायद एक और नया मिल्क पैक भी तो आया था, छोटा वाला एक और भी तो ऐड हुआ था ना, दो तरीके के थे ना मिल्क पैक, नहीं अच्छा एक ही था, नहीं अच्छा वो अंडे थे, ओके अरे ये रहे, अरे हाँ भाई ये अंडा फ्री में लूट ले गए भैया मेरा, अरे यार भाई साहब मैं तभी तो कहूँ वो इतनी देर से मेरे को नोटिफिकेशन क्यों दे रहा है भाई, ये अंडा था गाइस, वो ये अंडा था जो लोग मजे से मतलब लाइक होते है ना कतई फ्री का माल समझ के लूटे ले जा रहे थे, अरे यार भाई मैं तो इस हिसाब से तो गरीब हो जाऊंगा बहुत जल्दी। ओके गाइस आज अपना काफी सारा लॉस हो गया एक तरीके से देखा जाए, बट कोई नहीं ये लॉस तुम्हारा भाई ना इन्हीं से ही रिकवर करेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और मेरे को कुछ चाहिए क्या, और भाई बहुत सामान चाहिए यार, और पैसे $524 पड़े हैं, और मेरे को पता है मेरे को आज जो है यहाँ पर पेमेंट भी करनी है यार, एंड मेरे को क्या ऑर्डर करना था मैं भूल गया, पास्ता मंगाना है वो वाला, क्योंकि ये वाला गाइस जो पास्ता है ना जब ये बिकता है ना भाई तो इतनी जल्दी बिकता है कि लाइक तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और ये बिक के खत्म भी हो जाएगा समझ रहे हो, तो इसको हमेशा एडवांस में रखना काफी ज्यादा
लाइक इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पर और मैं चेक कर लेता हूँ भाई, चेकआउट फुल हो रहा है मेरे को ना, एक चेकआउट काउंटर एक शायद से जो है नया यहाँ पर लगाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा फुल हो रहा है भाई, इसका भी अपन को ना देखना पड़ेगा। तो फर्नीचर में चलते, चेकआउट काउंटर $500 का है भाई साहब, भाई $500 का ये चेकआउट काउंटर है गाइस। एंड इसको लगाने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें एक नए जगह की जरूरत भी पड़ेगी, तो मेरे को एक नया एरिया भी गाइस यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा यार। ओके, तो उसके लिए भी मेरे को पैसा चाहिए भाई, और पैसा तुम्हारे भाई के पास भाई रद्दी भर भी नहीं पड़ा यार, लाइक पड़ा है पर उतना ज्यादा भी नहीं पड़ा है। चलो फाइनली सॉल्ट अपने पे जो स्टॉक पड़ा था सॉल्ट का वो खत्म हो चुका है। एंड एक बारी योगर्ट देख के आते हैं, योगर्ट का क्या सीन चल रहा है भाई साहब। ओके, योगर्ट खाली हो चुके हैं। एंड वेट, इसको यहाँ पे एक लाइट ऑन कर भाई, अंधेरा अपन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड योगर्ट की शायद अपन पे ना एक पीटी और पड़ी है, ठीक है। तो चलो ये अच्छा है कि लाइक जो सामान अपन ने बहुत ज्यादा मंगा रखा था ना वो हमें मंगाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने पे स्टॉक उसका भर के पड़ा है। जैसे कि ये योगर्ट हो गया, योगर्ट अपने पे देखो काफी अच्छा खासा गाइस यहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीक है। और अब जाके जो है अपना स्टोर रूम थोड़ा थोड़ा लाइक खाली होने लगा है, बट कोई नहीं। एंड चोको पिको यार काफी कम बिक रहे हैं यार, पहले गाइस ये बहुत ज्यादा बिकते थे, बट अब मैं देख रहा हूँ कि 2-3 एपिसोड से ना एक इनकी सेल ना काफी कम हो गई है यार, बट अभी क्या ही कर सकते हो। ओके, एक बच गया भाई फिर भी, चलो कोई नहीं। एंड इसमें क्या है, इसमें एप्पल जूस है, एप्पल जूस शायद अंदर भी लगा हुआ है। बाकी ये कोका कोला है भैया, ये वाली जो कोल्ड ड्रिंक है ये भी फटाफट यहाँ पर लगा देते हैं गाइस, ठीक है। चलो ये ज्यादा नहीं बिक रही है, मतलब बिक रही है पर उतनी ज्यादा नहीं बिक रही है। बाकी ये पेटी खाली हो गई है, इसको अपन जो है बाहर फेंक देते हैं गाइस। और अपने पे $800 हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है जी, $800 हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी जो है गाइस मैं ना सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर अपनी क्या बोलते हैं सुपर मार्केट और एक्सटेंड कर दूँ, और गाइस अपना लेवल 16 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मतलब लेवल 15 तक कंप्लीट हो गया है, लेवल 16 चलने लगा है। वैसे तो 16 कंप्लीट है, 17 की बारी है, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे ना गाइस यहाँ पर क्या बोलते हैं अभी थोड़ा सा लाइक अपना ये बड़ा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक नया चेकआउट काउंटर लगाना है, या फिर मैं एक चेकआउट काउंटर खरीद के मैं एक काम करता हूँ ना, लाइन से 2 चेकआउट काउंटर लगा देता हूँ, क्या बोलते हो। हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट चलता हूँ एक नया चेकआउट काउंटर यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं आज खरीद नहीं सकता यार, ये भी एक अलग दिक्कत है, तो मेरे को कल का इंतजार करके एक नया चेकआउट काउंटर भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा गाइस। तो अभी वेट करते हैं, अभी फटाफट आज के दिन जितने भी कस्टमर ऊपर निपट जाए उसके बाद मैं एक चेकआउट काउंटर उठा के यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो ओके गाइस, यहाँ पर अपना अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, और कल के दिन पे हमने काफी ज्यादा बम्पर कमाई करी थी। बट गाइस यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे ना, तो भाई अपना सारा का सारा लाइक सुपर मार्केट एक तरीके से खाली होने ही वाला है, लाइक ऐसा भी नहीं खाली हो गया पर कुछ कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। बट उससे पहले गाइस मेरे को कल के दिन पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी, और वो प्रॉब्लम यही थी कि भाई मेरे को ना शायद एक नया चेकआउट काउंटर यहाँ पर परचेज करके लगा देना चाहिए, क्योंकि भाई कस्टमर ना काफी ज्यादा जो है लाइक कंप्लेंट्स ही कर रहा होता है। वेट यार भाई, ये $502 का क्यों आ रहा है, इस पे कुछ चार्जेस कट रहे हैं क्या है। हाँ अच्छा, शिपिंग कॉस्ट भी लगती है। ओ भाई मैंने अभी ये चीज देखी यार, तो उसका मतलब हम जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उन पे भी शिपिंग कॉस्ट करती हुई है। वेट वेट वेट, मेरे को चेक करने दो यार। वेट अ सेकंड, अगर मैं ये मंगाता हूँ तो कितने का पड़ रहा है भाई, ये 11, इस पे भी शिपिंग कॉस्ट लगती है। ओके गाइस, अच्छा मैं तभी कहूँ मेरा प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है यार, मैं बार बार एक ही चीजें मंगा रहा था। एंड ये देखो भाई कितना बड़ा चेकआउट काउंटर है। फिलहाल अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लगाता हूँ, एंड इस वाले चेकआउट काउंटर को जो है अपन इसके जस्ट बाजू में लगाएंगे गाइस यहाँ, ठीक है। हाँ क्योंकि अभी अपने पास ना स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ। एंड यहाँ के लिए मैं कैशियर लगा दूंगा, बाकी अपन को जाना होगा करेंगे तो अपन इधर से पीछे से चले जाया करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो है ना अभी के लिए फिलहाल तो मैं खुद से ही काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने पे इतना पैसा नहीं है कि यार हम पर डे की मतलब $80 की पेमेंट उसको करें और 80 की इसकी, तो मतलब टोटल अगर मिलाया जाए तो $160 की भाई क्या बोलते हैं पेमेंट तो हमें भाई अपने वर्कर को ही देनी पड़ जाएगी, तो बचेगा क्या भाई अपना घंटा। तो इसीलिए जो है अभी के लिए फिलहाल मैं ये वाले चेकआउट काउंटर पे खुद से ही काम करूंगा, एंड जब मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को वर्कर की जरूरत पड़ रही है तो मैं यहाँ पर वर्कर भी जो है हायर कर लूंगा, ठीक है गाइस। तो अभी जो है अपने यहाँ पर इसको लगा दिया, और बाकी मेरे को अपना जो है सुपर मार्केट में भाई बहुत सारा सामान और भी ऑर्डर करना है, और साथ ही साथ मेरे को पता है मैंने कल बिल पे नहीं करे तो मेरे को उस पर भी लेट फीस भरनी पड़ेगी, वो मैं भर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है, वो अपन दे ही देंगे गाइस आज नहीं तो कल। एंड बाकी यार गाइस मैं सोच रहा हूँ आज की जो अपना एपिसोड है वो फिलहाल हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है आज की वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, बट क्या करें गाइस ये गेम इतना है ही मजेदार यार कि खेलते खेलते भाई टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो बस गाइस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही था। एंड गाइस अगर आप लोगों को यार ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।